मोरबा मेन रोड पे जहाँ पे रीवा रांची रोड मुख्य मार्ग का कार्य किया जा रहा था, जो वर्तमान में पूरी तरह से बंद हो चुका है। हम आपको बता दें कि रीवा रांची मुख्य मार्ग में दो कंपनियां मिलकर काम कर रही थी, गेवन इंडिया और टेक्नो यूनिक के द्वारा यहां पे काम किया जा रहा था, जो इस समय वर्तमान में पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे इस रोड को बनाने के लिए यहाँ से यहाँ के लोगों को बैठा कर वार्ता करके उनको ये कहा गया कि एक महीने के अंदर ही यहाँ की रोड बना दी जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पे रीवा रांची मुख्य मार्ग की। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के जनता से कि क्या दर्द है इस रोड से, क्या इनको समस्याएं हो रही हैं, कितना प्रदूषित एरिया हो चुका है ये क्षेत्र। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे बीच में यहाँ पे बुज़ुर्ग महिलाएं खड़ी हैं और ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं ये रोड ना बन पाने के कारण। ये करीबन 8 महीने से रोड का काम यहाँ पे चल रहा है, जो अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे क्या स्थितियाँ हैं। जी माता जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत हो रहा है, आदमी का रोजी रोटी गया, 6-7 महीने से खाली धूले तो खा रहा है, यहाँ बैठ के धूल खा रहा, रोजी रोटी सबका चौपट हो गया। बोले 15 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर रोड। आज 7-8 महीना हो गया, सिवा धूल का तो और कोई कुछ खा नहीं रहा है, बैठे हैं आदमी और क्या करेगा। क्या बातें हुई थी जिस समय तोड़ने के लिए आप लोग? तोड़ने के बातें यही हुई थी कि 1 महीना के अंदर अंदर रोड कम्प्लीट हो जाएगा। और कितने दिन हो गए अभी तक ये निर्माण? कितने दिन हो गए? 6-7 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई यहाँ का ना तो शासन ना प्रशासन, कोई यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है। इसके चलते कम से कम सैकड़ों आदमी का रोजी रोटी सब चला गया है। आप बताइए, हमारे साथ दूसरी भी महिलाएं हैं, ये बताएंगे क्या समस्या हो रही है, जो भाभी ने बोला बस कितना प्रदूषित मानती है, बहुत धुआं धक्कड़, क्या क्या समस्या है, डेली धुआं धक्कड़ खाने, बीमारियां हो रही है, कोई सांस है मलेरिया हो रहा, टाइफाइड हो रहा है, धुआं धक्कड़ से घर भर जा रहे हैं, दरवाजा खोल नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, बच्चों का है दुकानदारी से ही सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए हैं, कुछ हम विधवा औरत हैं, कुछ खाने कमाने का है ही नहीं है, क्या करें। अबे बोल रहे थे कि 1-2 महीना में बन जाएगा रोड, कुछ नहीं, पहले तो इतना गड्ढा था, अब तो कुछ मट्टी भरा गया है, नहीं तो आए दिन यहाँ जानवर मरते, पानी भरा रहता, बच्चे गिरते, हम लोग तो निकल ही नहीं सकते, बच्चे निकल नहीं सकते बाहर। आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हम चाह रहे हैं कि रोड बने अच्छे से, सब कोई अपना कमाए ढगाए, फटाफट रोड बने, बस जिस तरह उन्होंने कहा था उसी तरह अपना वो वापस। हमारे बीच में कुछ यहाँ पे यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो रहवासी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जी क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो ये रोड नहीं निर्माण हो पाया रीवा रांची रोड का, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे क्या कहेंगे, 1 महीना का वादा था, तोड़ने के बाद 1 महीना में कम्प्लीट हो जाएगा, अभी तक वैसे पड़ा हुआ है, धूल गर्दा हम लोग खा रहे हैं, रोजी रोटी नहीं चल रहा है और क्या। तो अब क्या मांग कर रहे हैं सरकार से वर्तमान में? सरकार यही चल रहे हैं, तो अभी तो कोई सरकार सुनने वाली नहीं है, जिला प्रशासन और सरकार से इस चुनाव के बाद में क्या अपेक्षाएं रखे हुए हैं आप लोगों? अपेक्षा क्या यही है जो रोड जल्दी से बने, हम लोगों को रोजी रोजगार चालू हो। नहीं तो अभी तो वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही थी पूरी तरह से काम बंद कर दी, यहाँ से चली भी गई है, जैसी बातें आ रही हैं सब सामने, तो अब क्या करेंगे आप? अब तो सरकार का काम है, अब जिससे बनवावे कोरकार के चले गए हैं तो ये तो बनना है ही है। और बीमारियाँ यहाँ पे किसी को? बीमारी तो होते रहेगा, वो धूल गर्दा में क्या होगा, बीमारे ना पड़ेगा लोग। हमारे बीच में यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बापी। बापी जी ये बताइए, ये यहाँ पे बेरोजगार कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे इस संबंध में, कितना प्रदूषित एरिया मानते हैं इसको आप? तो बहुत प्रदूषित एरिया हो गया, ठीक है, उसका बाद काम धाम जो हम लोग करते थे, हम लोग बंगाल से आए यहाँ काम करने के लिए, तो काम धाम भी चौपट हो गया, ठीक है, बैठ बैठ के खाली भाड़ा दे रहा हूँ, ठीक है, काम पूरी तरह से हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो कुछ काम करते थे यहाँ पे, तो वो जो लोग थे वो आप कहाँ चले गए? बहुत लोग चला गया यहाँ से, जब काम धाम हो ही नहीं रहा था तो कहाँ से चलेगा, तो चला गया, अपना गांव चला गया है।
हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जब इन लोगों को क्या नाम से विस्थापित किया गया तो यहाँ पे काम करने वाले लोग जो यहाँ पे काम करते थे तो वो एक बेरोजगार हुए, रोजगार नहीं रहा, रोजगार ख़त्म हो चुका इस क्षेत्र में और यहाँ के लोगों को यहाँ के प्रदूषित कितना प्रदूषण झेलना पड़ रहा है ये इनके जुबानी से हम लोग खुद भी सुन रहे हैं और क्या क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को आ रही हैं। हमारे बीच में कुछ लोग और भी हैं तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या समस्याएँ रहे हैं और रोज़गार में क्या फ़र्क पड़ा है। जी बताइए क्या समस्याएँ आ रही। फोर लाइन का काम चल रहा था वर्तमान में रीवा रांची रोड ये जिसमें हम लोग खड़े हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे और सरकार ने क्या नहीं किया यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर के जो है वो इन 6-8 महीने 10 महीने में मेन रोड के जितने लोग हैं लगभग 80% लोग स्वास्थ्य से पीड़ित हैं इस डस्ट के कारण। और महोदय कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम 3 महीने में रोड बनवा के दे देंगे, आप लोग किसी भी तरह का कोई विरोध न करें। हम लोग शांति से तोड़फोड़ करने दिए, आज 8-9 महीने हो गए। हम लोग डेली 100-200 ग्राम डस्ट लेके घर जाते हैं। सभी जितने भी मिस्त्री हैं या जो भी मेन रोड में रहने वाले हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। धंधा तो जो चौपट हुआ वो तो ख़त्म हो गया, किसी तरह से बाल बच्चों का नमक रोटी जुटा रहा है। यहाँ पे जो काम करने वाले लड़के रहे हैं कितने लोग ऐसे बेरोजगार हुए होंगे, कितनी संख्या रही होगी? उसमें लगभग 300 जिनके पास 4 स्टाफ 5 स्टाफ था, आज के डेट में 1 स्टाफ है, किसी के पास वो भी नहीं है। भाई उनको हम पेमेंट ही नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास क्यों रहेंगे? कुछ लोग तो बीमार होकर यहाँ से चले गए, कुछ लोग यहाँ से बीमार होकर चले गए कि यहाँ इतना डस्ट है हम लोग यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। अब बहुत लोग यहाँ लड़के लोग सब चले गए यहाँ से, यही सब प्रॉब्लम है। और पता नहीं ये कब तक ये रोड बन पाएगा, हमको नहीं लग पा रहा है कि 4-5 साल ये रोड बन पाएगा। ये नहीं तो वर्तमान में तभी जो कंपनी काम कर रही थी वो यहाँ से काम करना भी फिलहाल कंपनी तो दिख भी नहीं रही है, अपने मशीनें लेकर सब लोग चले गए यहाँ से, चले गए यहाँ से दिख भी नहीं रही है कंपनी। आप क्या करेंगे, आप लोग क्या नया चीज़ यहाँ पे करेंगे कि अपनी बात सरकार को यहाँ के जिला प्रशासन को? नया चीज़ करना क्या है, जितना जल्दी मतलब रोड बन जाए हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और सरकार यही करे कि रोड बहुत जल्दी बना दे इसको, है ना जी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना प्रदूषित क्षेत्र है और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां यहाँ पे दुनिया भर की यहाँ पे है और यहाँ के लोग पूरी तरह से प्रभावित है और इनका ये मानना है कि यदि रोड नहीं बनती है तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में रहना बड़ा दुर्भर हो जाएगा, रोज़गार छूटा, काम छूटा।